नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन और मैं हूं हलेंद्र शर्मा। दोस्तों, भारत में चाहे कोई भी खेल हो वो किसी धर्म से कम नहीं है। भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी ये खेल बड़े जोश और जुनून के साथ खेले जाते हैं और खेल को बढ़ावा देने के मकसद से हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया है। इस टूर्नामेंट के लिए जो टैलेंट तराश रहे हैं पूरे ऑल इंडिया से टैलेंट तराश रहे हैं और उसका जिम्मा दिया गया है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और अरुणाचल की अगर हम बात करें तो जहाँ पर फुटबॉल का टैलेंट तराशने के लिए जो अवसर दिया गया है, जो मौका दिया गया है, वो दिया गया है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि IDBP को। और आज ऊर्जा कप जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर्स अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए टैलेंट तराशा जा रहा है, वो टूर्नामेंट जो है वो ऊर्जा टूर्नामेंट के नाम से जाना जा रहा है और वो अरुणाचल के जो नाहरलगन है वहाँ पर उसका आज इनॉग्रल मैच है। और कल इस टूर्नामेंट का बटन रेजर हुआ था जिसमें गुम्पे रिम्बे जो है अरुणाचल के जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं उन्होंने जो टूर्नामेंट उसका मस्केटियर शुभंकर उसका इनॉग्रेशन कल किया, डब्ल्यू यानी कि छोटा शेर। आज नाहरलगन के राजीव गांधी स्टेडियम में पहला इनॉग्रेशन मैच हो रहा है और उसका उद्घाटन कर रहे हैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू। भारत में फुटबॉल जैसे खेल को सरकार बढ़ावा दे रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि साल सितंबर से अक्टूबर तक भारत में अंडर 17 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में देश को फुटबॉल फीवर देने के मकसद से देश भर में बड़े पैमाने पर फुटबॉल टूर्नामेंट्स का आयोजन होने जा रहा है। मकसद है देश के फुटबॉल टैलेंट को एक मंच देना। इस टूर्नामेंट का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 19। ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित होगा और इस बड़े आयोजन का जिम्मा दिया गया है देश की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और अरुणाचल प्रदेश में फुटबॉल टैलेंट तलाशेगी ITBP। इसी कड़ी में 1 मई से ऊर्जा CAPF फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज नाहरलगुन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ। इस खास टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, दर्शकों और खिलाड़ियों को संबोधित किया ITBP के IG श्री मनोज सिंह रावत ने। अरुणाचल प्रदेश श्री नेमार करबक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर, विशिष्ट MLA फ्रॉम तवांग, अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल श्री संदीप गोयल, अरुणाचल सरकार के अधिकारीगण, एसोसिएटेड अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स, आए हुए यहाँ पर उपस्थित गणमान्य महिलाएं एवं अतिथि, ITBP के ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जवान, अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली विभिन्न रंग बिरंगे पोशाकों में उपस्थित महिलाओं और बॉयज की अंडर 19 की टीम, पत्रकार बंधुओं और मेरे साथियों, आज मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आप इतनी बड़ी, इतने महान हस्तियों के बीच आज हम ऊर्जा CAPF अंडर 19 फुटबॉल टैलेंट हंट 2017
टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौर पर है और मैं आज आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये एक बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमें ये अवसर मिला है कि अरुणाचल प्रदेश के अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हम ईटानगर में नाहरलगुन एवं चिंपू के स्टेडियम में टूर्नामेंट करवाएं। ये टूर्नामेंट जो कि 1 मई आज से और 11 मई तक चलेगा, इसमें हमें अरुणाचल प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का और सभी खेल प्रेमियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य मिशन 11 मिलियन का हिस्सा बनाना है। ये ड्रीम हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हमारी जो युवा टैलेंट है देश के, उनको एड्रेस किया जाए, उनको ये मौका दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वो अपनी टैलेंट को डिस्प्ले कर सकें और उस टैलेंट को जितना महत्तम मौका दिया जा सके वो दिया जाए। और इसीलिए एशियन चैंपियनशिप जो अगले साल होने जा रही है, इन्हीं नवयुवकों और युवतियों से इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऊर्जा CAPF टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के लोक गीतों और लोक नृत्यों ने समा बांध दिया।
मैच शुरू होने से पहले अरुणाचल प्रदेश से आई तमाम महिला और पुरुष वर्ग की टीमों ने कदमताल की सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद टूर्नामेंट में आए दर्शकों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने कहा, मैं अपनी ओर से अपना आईजीपी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा इवेंट में आज हमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पे बुलाया है। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। शायद मैं कहूँगा कि ये शायद पहली बार होगा अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे जो आईटीबीपी इस लेवल तक स्टेट लेवल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे हमारे आईजी साहब ने जो कहा है, ये इनिशिएटिव जो है पूरे देश भर में आज ही के दिन में सभी स्टेट में इस टूर्नामेंट का लॉन्चिंग हो रहा है। और ख़ास करके हमारे देश के महान जो प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये उनका ही एक इनिशिएटिव है। आप सबको पता है कि अब स्टेट लेवल के बाद में आप लोग जाके जोनल में जाके रिप्रेजेंट करेंगे और जोनल में वहाँ के जो खेल खत्म होने के बाद फिर आप लोग नेशनल लेवल में भी जाके रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो खेल होगा, यहाँ के जो टीम का जो विजेता होगा, तो उन सभी जो अच्छे खिलाड़ी है उसका भी एक कंपोजिट एक टीम बना के फिर हम लोग यहाँ से जोनल में भेजेंगे। फिर जोनल में जो कॉम्पिटिशन वहाँ पे जो होगा तो वहाँ पे भी अमाउंट टीम्स का भी अच्छा खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा, तब एक टीम दोबारा फिर बनाया जाएगा, तब जाके नेशनल उसमें हम लोग जाके पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इनिशिएटिव जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लिया है, ये सिर्फ केवल फुटबॉल के लिए ही नहीं बल्कि हर एक स्पोर्टिंग इवेंट जितने भी जो क्षेत्र है, चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का बोलो चाहे ग्रुप स्पोर्ट्स का बोलो, हर एक क्षेत्र में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इनिशिएटिव ले रहा है। और उनका एक विजन है ओलंपिक 2020 टोक्यो। ओलंपिक 2020 टोक्यो का उनका एक टारगेट है कि जो ओलंपिक 2020 होगा तो अपना देश भी वहां जाके बहुत सारा मेडल ये प्राप्त करे, ये उनका एक विजन है। तो इसीलिए वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे इस देश के जितने भी जो यूथ हैं वो स्पोर्ट के साथ में जुड़ जाए और देश का नाम रोशन करे। और ख़ास करके यदि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा टैलेंट्स है हर एक स्पोर्टिंग इवेंट्स में।
सिर्फ हम लोगों के पास उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं होने के कारण से उस टैलेंट को हम लोग उभर के हम लोग लेके आ नहीं पा रहे हैं। अरुणाचल में भी हमारे काफ़ी सारा टैलेंट्स है, यहाँ पे फुटबॉल में नहीं बल्कि इंडिविजुअल गेम्स में भी बहुत अच्छा टैलेंट्स है। नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में हम लोग का जो बच्चे हैं वो लोग जाके रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आज क्योंकि हमारे आईटीबीपी के द्वारा से ये फुटबॉल जो ऊर्जा अंडर 19 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये आपका आईटीबीपी जो है यहाँ पे अंडर द डायनेमिक जो लीडरशिप है हमारे आईजीपी साहब के अंदर में, ये काफ़ी अपना स्टेट में यहाँ पे योगदान दे रहा है। स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारा इवेंट्स यहाँ पे उनके माध्यम से यहाँ पे स्टेट को बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से आईजीपीपी की जितने भी जो तमाम ऑफिसर्स हैं, आईजीपी साहब है, आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन श्री पेमा खांडू ने फुटबॉल को किक मार कर किया। उद्घाटन मैच हुआ आईटीबीपी आलो पब्लिक स्कूल और केंद्र विद्यालय नंबर 2 ईटानगर की महिला खिलाड़ियों के बीच।
इस मैच में शानदार जीत दर्ज की केंद्र विद्यालय नंबर 2 की महिला खिलाड़ियों ने। महिला मैच में शानदार प्रदर्शन किया केंद्र विद्यालय नंबर 2 ईटानगर की खिलाड़ी ताबा सामा ने। उनके जबरदस्त खेल से प्रभावित होकर शिलांग स्पोर्ट्स एकेडमी ने उन्हें अपने यहां प्रशिक्षण का अवसर दिया। एक से 10 मई तक टूर्नामेंट आयोजित होना है, उसके बाद यहाँ से जो टीम निकलेगी वो जोनल लेवल पर खेलेगी, थर्ड फेज में वो अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो नेशनल लेवल पर खेलेगी। एक से 10 मई तक टूर्नामेंट आरम्भ।